साथियों, स्वच्छ भारत अभियान पर अगर मैंने इतना बल दिया है तो उसके पीछे देश की बहन बेटियों की गरिमा है, उनका सम्मान है। साल 2014 में जब आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व सौंपा, उस समय स्थिति ये थी कि देश में लगभग 30 करोड़ बहनों को टॉयलेट के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। अनेक बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां बेटियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इस सच्चाई के साथ तो मैं बचपन से ही जीता आया हूं, लेकिन करोड़ों बहनों की पीड़ा ने मुझे झकझोर दिया। यही कारण है कि लाल किले से मैंने देश की बहन बेटियों को इस अपमान और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उस समय आपने भी देखा होगा कि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा मजाक उड़ाया था, न जाने मुझे क्या क्या कहा गया, कितनी आलोचना की गई। ये कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। मेरी सोच और समझ को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। साथियों, ये टिप्पणी करने वाले या तो वो लोग थे जिनको बहनों की पीड़ा की परवाह ही नहीं थी। मुझे इस पीड़ा की जानकारी भी थी और करोड़ों बहन बेटियों की परवाह भी है, इसलिए मुझे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों के तंज कभी नहीं चुभते। मेरा अपमान वो करते रहे, लेकिन करोड़ों बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी, इज्जत घर, ये कैसे मिले, जल्द से जल्द कैसे मिले, इस बात को मैंने मन में ठान के रखा है और जी जान से उसके लिए जुटा हुआ। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सभी ने, देश के हर सामान्य मानवी ने मेरी इन भावनाओं को समझा और पूरी शक्ति से सहयोग दिया। परिणाम यह है कि आजादी के लगभग 70 वर्षों में स्वच्छता का जो दायरा करीब 40% था, वो आज 98% तक पहुंच चुका है। 4.5 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। 600 जिलों के 5.5 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है।